फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं द्विघातीय बहुपद में, उसके शून्यक निकालेंगे और शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध दिखाएंगे, है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अगर व्यापक रूप में आपको याद होगा, क्या है व्यापक रूप में? व्यापक रूप में अगर द्विघातीय बहुपद को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, हमारे पास होता है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता हमारे पास, है ना। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं, माना कि अल्फा एवं बीटा, अल्फा एवं बीटा क्या है, दोनों क्या है, दोनों द्विघातीय बहुपद के शून्यक। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, जितना महत्तम घात होता है, मतलब बहुपद का जितना घात होता है उतना ही उसका शून्यक होगा। हो सकता है वो बराबर हो या नहीं बराबर हो, लेकिन उतना ही। जैसे यहाँ पे दो, अगर हमारे पास कोई क्यूब का रहता कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो उसमें तीन आपका शून्यक निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे दो शून्यक मैंने क्या मान लिया, अल्फा एवं बीटा मान लिया, है ना। तो हमें पता है कि शून्यक अगर निकालना होता है, ये शून्यक कहलाएगा, कब कहलाएगा, जब पी अल्फा क्या होगा, जब पी अल्फा बराबर जीरो हो जाए एवं पी बीटा बराबर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। कि हमें पता है जो भी शून्यक होता है, शून्यक का मान अगर बहुपद का निकालते, शून्यक पे बहुपद का मान निकालते तो जीरो आता है, तभी तो शून्य कहलाता है, नहीं तो शून्य क्यों कहलाता है, ना। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं, तो आप 9 क्लास में ये भी पढ़ चुके हो कि अगर अल्फा आपका क्या है, अल्फा आपका शून्यक है या सॉल्यूशन है या आपका जो भी मान निकला, तो एक्स माइनस अल्फा क्या होगा, गुणनखंड का क्या होगा, सॉरी बहुपद का क्या है, गुणनखंड होगा। ठीक है, एक फैक्टर होगा। ठीक है, उसी तरीके से एक्स माइनस बीटा भी क्या होगा, एक्स माइनस बीटा भी क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा, मल्टीपल होगा। ठीक है, इसका गुणनखंड करेंगे तो ये भी आएगा, है ना। अब चूंकि ये द्विघातीय बहुपद है, अब द्विघातीय बहुपद है तो दो ही इसका आएगा ना। ठीक है, इसके अलावा जो भी होगा वो अचर होगा। तो मान लेते अचर कुछ भी रहे, मान लेते के है। ठीक है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आएगा। इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, के एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, ये हमारा इक्वल होगा, है ना, क्योंकि इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। ऐसे भी आपको पता होगा कि अगर एक्स माइनस टू बराबर जीरो, ठीक है ना, तो एक्स बराबर क्या आएगा, टू आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स माइनस टू इसका एक फैक्टर है कि नहीं, इसका गुणनखंड करते हैं कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। उसी तरीके से यहाँ भी मैंने किया, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा क्या होगा, इसका दो गुणनखंड होगा और बाकी क्या होगा, बाकी अचर होगा, है ना। अचर को मैंने क्या मान लिया, है ना। तो अगर आप देखें इसको, अगर सोल्व करें सॉरी ये हो जाएगा एक्स गुने एक्स एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एक्स अल्फा, फिर बीटा करें बीटा और एक्स माइनस में तो माइनस एक्स बीटा, फिर ये माइनस माइनस प्लस मतलब अल्फा बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, के गुने एक्स स्क्वायर, यहाँ कॉमन कर लेते एक्स, तो क्या आएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होगा, प्लस एक्स बीटा, सॉरी अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, और इसको लिखे तो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर गुना कर देते हैं तो के एक्स स्क्वायर माइनस के गुने अल्फा प्लस बीटा गुने एक्स प्लस के अल्फा बीटा, क्या हमारे पास ये आएगा, है ना। ठीक है, तो यहां से क्या कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ तुलना कर लेंगे, दोनों तरफ तुलना करने पर। ठीक है, थोड़ा सा इरेज करते तो ज्यादा बढ़िया हो। तो
दोनों तरफ तुलना करने पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, के। इसका मतलब ए बराबर के हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें, एक्स का गुणांक माइनस के इंटू अल्फा बीटा, यहाँ एक्स का गुणांक बी है, इसका मतलब बी बराबर माइनस माइनस के गुने अल्फा प्लस बीटा होगा, है ना। अब यहाँ देखिए अचर पद क्या सी है, यहाँ अचर पद क्या के अल्फा बीटा, इसका मतलब सी बराबर के अल्फा बीटा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, ठीक है। अब क्या करना है, अगर इसको देखें, इसको अगर आगे सॉल्व करें तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर ये के नीचे आएगा, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई के हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, माइनस बी बाई के हो जाएगा। और के बराबर क्या है, के बराबर ए है, इसका मतलब लिख सकते हैं माइनस बी बटा ए। क्या लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा के को मैंने नीचे कर दिया, है ना, तो ये माइनस साइन भी आ गया, तो माइनस बी बटा के आ गया। अब यहाँ क्या माइनस बी है और के बराबर हम ए लिख सकते हैं, तो ए लिख दिया, ठीक है। उसी तरीके से यहां से देखिए अल्फा बीटा, इससे इसको अगर सोल्व करेंगे तो अल्फा बीटा बराबर क्या आएगा, के को नीचे कर दे तो सी बटा के, और के को हम क्या लिख सकते हैं, के को ए लिख सकते हैं, इसका मतलब सी बटा ए हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से हम थोड़ा अगले पेज में लिख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया, फिर से आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया, माइनस बी बटा ए, क्या आया है, माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या आया है, अल्फा इंटू बीटा देखिए क्या है, सी बटा ए आया, आया है सी बटा ए। और आप जानते हैं कि पी एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये था ना। तो यहां से आप ध्यान से देखिए, अल्फा बीटा मैंने क्या माना था, अल्फा बीटा मैंने शून्यक माना था, क्या था, बहुपद का क्या था, शून्यक था, शून्यक था ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का क्या होता है, योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर। अब बी बताइए, बी क्या है, बी आपका क्या है, एक्स का गुणांक है, क्या है, एक्स का गुणांक है, तो माइनस एक्स का गुणांक बटा क्या हो जाएगा, बटा ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, ठीक है, इसी से तो पूरा आपका एक्सरसाइज बनेगा, ठीक है ना, ठीक है। अब अल्फा बीटा का करके देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए है, तो अल्फा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुने बीटा मतलब क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल हो गया, शून्यकों का गुणनफल हो गया बराबर सी क्या है, अचर पद है, सी क्या होता है, अचर पद, क्या हो गया, अचर पद बटा क्या हो जाएगा, अचर पद बटा क्या हो जाएगा, ए, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। तो आपका ये भी क्या हो गया, ये भी महत्वपूर्ण फॉर्मूला हो गया। तो आपको याद क्या रखना, देखिए याद आपको ये रखना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है द्विघात के लिए, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है। आप अगर इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रखते तो आपको याद रहेगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है,
फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर है 2x² + 3x - 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको पता करना है कि कौन क्या है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है। एक्स का गुणांक क्या है, 3 है। और अचर पद क्या है, -5 है। माइनस को आपको साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो अगर आपको कहे कि अल्फा प्लस बीटा निकालिए, मतलब सुनिकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, पहले लिखते थे फार्मूला -b/a। तब b क्या होता है, b आपका क्या होता है, x का गुणांक मतलब कितना, 3 बटा a क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक मतलब 3/2 आ गया, है ना। उसी तरीके से अगर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c बटा a होता है। तो c क्या है, अचर पद, अचर पद क्या है, -5, ठीक है। और a क्या है, a हमारा x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2। तो हमारा क्या अल्फा प्लस बीटा निकल गया। दो नंबर में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकालना और अल्फा इंटू बीटा निकालना। आपको पता होना चाहिए कि अल्फा बीटा क्या है, शून्यक है, तो शून्यकों का योगफल बराबर ये होगा और शून्यकों के गुणनफल बराबर c/a होगा, ठीक है। ये आपको पता है तो बहुत सारा सोल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको ये फार्मूला क्या है याद रखना, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अगर ये फार्मूला नहीं याद है तो आपको बहुत दिक्कत होगा, है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। आपको ये भी याद रखना, इसी से तो आपको पता लगे कौन किसका गुणांक है, है ना। याद रखना a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है। आप ये भी जानेंगे द्विघात है, ठीक है, ये क्या है, द्विघात है। तो आपको इसी से पता लगेगा कौन किसका गुणांक है। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, व्यापक रूप आपको पता रखना कि px बराबर द्विघात का x² + bx + c। कोई दूसरा ध्यान में मत रखिएगा क्योंकि क्यूब वाले में और फिर अलग हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, मान लेते हैं कि बहुपद दिया हुआ क्या है, px² - 7x + 12 दिया हुआ, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इसका शून्यक ज्ञात करना है कि शून्यक क्या होगा, ठीक है। और क्या करना है, आपको गुणांक और शून्यक में क्या करना, संबंध स्थापित करना, ठीक है। गुणांक और शून्यक में संबंध स्थापित करना, जो अभी निकाल रहे थे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही वाला, ठीक है। सबसे पहले इसका शून्यक निकालना है ना। तो शून्यक मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है ना, है। तो पी अल्फा बराबर भी 0 होगा और पी बीटा बराबर भी 0 होगा, है ना, है कि नहीं। तो अगर उसका निकालना है तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, जब भी आपको ये बात ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जब भी आपको किसी का भी शून्यक निकालना तो px बराबर आपको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। अब कितना पे px 0 आएगा वो अपने आप इससे आ जाएगा, है ना। तो px क्या है, x² - 7x + 12 = 0। तो इसको अगर फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे, क्या होगा, एक्स स्क्वायर ये 12 है ना और ये -7 है, दोनों को तोड़ना पड़ेगा। तो -7x किस में टूटेगा, -4x में और -3x में। तो अगर जोड़ देंगे तो क्या, -7x और गुना करेंगे तो 12x², ठीक है, बराबर 0। इसका मतलब x कॉमन करेंगे तो x - 4 और यहाँ से -3 कॉमन करेंगे, -3 कॉमन किया तो क्या हो जाएगा, x - 4 = 0। तो x - 4 क्या कॉमन कर लिए, तो हमारे पास क्या आ गया, x - 3 = 0। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर पूरा ही कर देते हैं, तो इससे हम क्या ले, x - 4 = 0 या x - 3 = 0, दोनों बराबर 0 कर लेते थे, नॉर्मल क्लास में यही था। तो x = 4 आ गया और x = क्या आ गया, 3 आ गया। आपके पास 2 क्या आ गया, 2 शून्य का आ गया, क्या है, 3 और 4 शून्य का आपका आ गया, है ना। अब संबंध स्थापित करना है ना, संबंध स्थापित करना है तो हम जानते हैं जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल क्या होता है। तो अगर शून्यकों का योगफल अगर निकाले, शून्यकों का योगफल अगर निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 4 + 3 होता क्या, अल्फा प्लस बीटा, तो क्या आएगा, 4 + 3 = कितना आ गया, 7 आ गया। अब यहां से निकाल के देखते हैं, ठीक है, इससे निकाल के देखते हैं फार्मूला से। हमारे पास क्या था, शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था, -b/a। क्या दोनों सेम आ रहा कि नहीं आ रहा, तो -b क्या होता है, एक्स का गुणांक क्या है, -7 है। तो माइनस फार्मूला वाला और -7 उसका वाला,
बटा ए क्या है? कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, ठीक है। इसका मतलब क्या आ गया आपके पास? 7 आ गया। क्या दोनों सेम आ रहा है? ठीक है, बिल्कुल सेम आ रहा। उसी तरीके से शून्य को का गुणनफल, ये द्विघात के लिए केवल हो रहा है, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, मतलब दोनों का गुणनफल, मतलब 4 × 3 क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और अगर हम इसे फॉर्मूला से देखें, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, सुनिकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए होता है। सी क्या होता है? अचर पद होता है। सी क्या होता है? अचर पद। अचर पद कितना है? 12। और ए का मान कितना है? 1। क्या 12 आ गया? क्या ये दोनों भी सेम आ रहा? इसका मतलब आप ऐसे निकाले वैसे निकाले, ठीक है। आप शून्य निकाल के कीजिए या ऐसे कीजिए, आप ये बताइए। कभी गुणनखंड दिया हुआ रहेगा, आपको निकालना होगा कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। क्या ये जरूरी है कि हम उसका पहले शून्य निकाल लें? नहीं। अगर आपको ये दिया हुआ तो आपको शून्य निकालने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? केवल ये देखना शून्यकों का योगफल होता क्या है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। अब देखिए यहाँ पे बी क्या है, ए क्या है, आप निकाल दीजिए। जरूरी नहीं कि आप शून्य निकालिए, यहाँ पे संबंध स्थापित करना था और साबित भी करना था, इसलिए मैंने पूरा निकाल दिया। इसको चाहे तो और भी कर सकते हैं आगे। 7 है तो इसको क्या लिख देंगे? 7 बराबर क्या हो जाएगा? अगर 7 यहाँ से, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस 7 बटा 1, ठीक है। ऐसा क्यों लिखे? माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, 1 फिर तो वही रहेगा। ऐसा इसलिए लिखे ताकि यहाँ पे फार्मूला पे बैठ जाए। तो ये माइनस माइनस 7 क्या है? बी है, ठीक है। और 1 क्या है? ए है। तो डायरेक्ट यहाँ से भी हो गया संबंध स्थापित हो गया, और यहाँ से भी देखेंगे तो 12 है, तो 12 को हम 12 बटा 1 लिख सकते हैं, और 12 क्या है? सी है, और 1 क्या है? ए है। तो यहाँ से भी हो गया डायरेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इस तरीके से प्रॉब्लम आएंगे और आपको सारा का सारा क्या रहेगा? बनाना होगा, ठीक है। मतलब गुणनखंड करना आपको आना चाहिए, ठीक है। 9वां क्लास में आप पढ़ चुके हैं, गुणनखंड करना है, शून्य निकालना है, उसका योगफल और उसका गुणनफल, ठीक है। अब हमें कई सवाल ऐसे आएंगे जिसमें क्या है, द्विघातीय बहुपद आपको ज्ञात करना है कि बहुपद आखिर क्या है, और शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स सॉरी प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या होता है? द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, ठीक है। हमारे पास क्या है, मान लेते हैं अल्फा बीटा क्या शून्य है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? सी बटा ए। अगर अल्फा बीटा बहुपद का क्या है? शून्य है ना, तो शून्यकों का योगफल दिया हुआ रहेगा, शून्यकों का गुणनफल, मतलब ये दोनों दिया हुआ रहेगा। तब आपको पता करना कि आखिर बहुपद क्या होगा। अगर हम देखें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर यहां से देखें तो हमको क्या किसी तरीके से ये लाना, तब नहीं ये पुट करेंगे, है ना। तो क्या करना है, इसमें से ए को हम कॉमन कर लेते सबसे, तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। आप कहेंगे सर इसमें तो है नहीं, तो कहाँ से होगा, है ना, इसमें नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, नीचे ला देंगे। क्या करेंगे? नीचे हम ला देंगे, तो नीचे ला दिए, है ना। अब देखिए गुना करेंगे, ए बी बटा ए, ए कट गया, है ना, तो बात बराबर पड़ा ना, अगर नहीं था तो हम नीचे ला दिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर सी बटा ए यहाँ भी हो जाएगा, देखिए गुना करें तो क्या ए कट जाएगा, सी बचेगा जो कि है, ठीक है। अगर आपके पास अगर उसमें नहीं होता तो आपको भागा देना होता, अगर कॉमन कर लिए तो, ठीक है। इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, अब क्या है ए एक्स स्क्वायर, इसमें लिख सकते हैं माइनस माइनस बी बटा ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जो कि प्लस है, प्लस सी बटा ए। हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये फार्मूला पे बैठ जाए, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस बी बटा ए, को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स छूट गया यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है। और प्लस सी बटा ए को क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपका क्या हो गया, यही आपका क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, ठीक है, यही समीकरण हो गया, यही आपको बहुपद क्या है, द्विघातीय बहुपद आपका निकल गया, ठीक है। तो मेनली फार्मूला क्या होगा, मेनली आपका फार्मूला क्या होगा, बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, अगर आपका शून्य का योगफल और गुणनफल दिया हो तो बहुपद बराबर आपका हो जाएगा ए
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अगर आपका ये दोनों दिया हुआ है तो, ठीक है, ये दोनों दिया तो डायरेक्ट हम बना सकते हैं, जहां ए क्या है, ए एक अज्ञात अचर, क्या है, अज्ञात अचर है ना, ठीक है। ये क्या है, अज्ञात अचर है, मतलब हमको नहीं पता, कुछ भी अचर आ सकता है, ठीक है, जैसा दिया रहेगा उसके हिसाब से हो जाएगा, है ना। इसको और अगर बढ़ा के लिखे तो क्या लिख सकते हैं, ए गुने मतलब अज्ञात अचर एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल गुने एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका मेन फार्मूला आपका हो गया, ठीक है ना। तो कभी भी आपका ऐसा दिया हुआ है कि हाँ हमारे पास क्या है, शून्य दिया हुआ है और समीकरण निकालना, तो हम निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, शून्यक मान लेते हैं, शून्यक तीन और चार दिया हुआ, कितना दिया हुआ, तीन और चार शून्यक दिया हुआ, मतलब अल्फा कितना है, तीन है, और बीटा कितना है, चार, ठीक है ना। तो शून्यक दिया हुआ है तो हम शून्यक का योगफल निकाल सकते हैं, है ना। फार्मूला क्या होता है, बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, बहुपद बराबर ए, तो यहाँ बहुपद निकालना है, तो हमारे पास ए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योगफल, तो माइनस लिख सकते हैं तीन प्लस चार, ठीक है, तीन प्लस चार गुने क्या हो जाएगा, तीन प्लस चार गुने क्या हो जाएगा, एक्स, और प्लस क्या है, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, तीन गुने चार हो जाएगा, ठीक है। इसको कर सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, ए जो यहाँ पे, ए क्या अज्ञात अचर है ना, तो यहाँ पे ए का मान क्या आएगा, एक आएगा। इसको हमको लेके नहीं चलना होता, इसके लिए मैं स्पेशल एक चीज बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। देखिए यहां से जो हमारे पास आया है, बहुपद बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहां से जो आया ए का मान क्या है, आपको लेना नहीं, आपको अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ ना कुछ अज्ञात अचर हो तो हमें निकालना किससे है, इससे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा हमें निकालना है इससे। अगर ए का मान अगर डायरेक्ट करना है, ये भी निकालना, तो इसके लिए एक अलग सा कुछ दिया हुआ रहेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लेते तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इसमें क्या करना क्या नहीं करना है ना, ठीक है। अगर यहीं से हम क्या लेते हैं, एक देखिए इस क्वेश्चन समझते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना। तो यहाँ से ए का मान हमको लेके नहीं चलना, ये अपने आप आएगा, है ना। तो बहुपद बराबर हमारा ये होगा, ठीक है। अब देखिए ए का मान कैसे आएगा, है ना। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ कितना दिया, एक बटा चार दिया, तो क्या करेंगे, एक बटा चार इंटू एक्स कर देंगे, प्लस अल्फा बीटा कितना है, माइनस वन है, है ना। अब यहां से इसको सोल्व करके देख लेते हैं, अगर सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा हम लघुत्तम लेंगे तो चार हो जाएगा, है ना। फिर क्या हो जाएगा, चार एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, और ये भी माइनस वन हो जाएगा। तो इसका मतलब एक बटा चार क्या कॉमन आ गया, तो क्या गया, चार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है। यही क्या बहुपद आ गया, क्या ए का मान यहाँ पर आ गया, एक बटा चार आ गया ना, एक जैसा, ठीक है। तो आपका ए का मान निकालना तो एक अलग सा कंडीशन दिया रहेगा, वो भी क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में द्विघात बहुपद निकालना, शून्य को योग दे दिया, गुणनफल, अब ये एक एक्स्ट्रा दिया है ना, एक्स्ट्रा कंडीशन दिया, तो मैंने क्या बताया कि बहुपद बराबर आपका एक्चुअल में होता क्या, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है ना। लेकिन आप चाहे तो इससे निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको ए नहीं पता है ना, ए अपने आप निकल जाएगा,
तो क्या यहाँ भी अपने आप निकल जाएगा? यहाँ पे अलग से दे दिया है तो ए का मान हमको क्या निकल जाएगा? जब ये अलग से पी दो पी रूट टू अगर किसी का वैल्यू दिया रहेगा तब हम ए का मान निकाल लेंगे, तब हमारे लिए क्या होगा, काम थोड़ा सा आसान होगा, है ना। तो यहाँ कंडीशन दे दिया है तो हम क्या लेंगे, ये वाला लेंगे। अगर कंडीशन दिया रहेगा तो ठीक है, कंडीशन अगर दिया हुआ है कि पी दो बराबर पी तीन बराबर कुछ दिया हो तो ये वाला लेंगे, तो हमारे पास बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब योग, योग कितना है तीन, तीन एक्स हो जाएगा प्लस फिर क्या गुणनफल कितना है माइनस वन, ठीक है ना। तो आ गया ए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन, क्या ये आ गया। और हमको पता है ये तो पी एक्स था, तो पी दो बराबर दिया हुआ है माइनस छ दिया हुआ है, तो जहां जहां x है उसके जगह पे क्या हो जाएगा दो हो जाएगा, मतलब a गुने एक्स स्क्वायर जगह पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे दो हो जाएगा, तो दो का स्क्वायर माइनस तीन गुने दो हो जाएगा माइनस वन बराबर माइनस छ, तो हो जाएगा a ये क्या हो जाएगा चार माइनस छ माइनस एक बराबर माइनस छ, ठीक है। तो इसके बाद देखे तो a गुने कितना हो गया माइनस सात, और ये हो गया माइनस तीन हो गया ना, ए गुने माइनस तीन बराबर माइनस छ, तो ये तो कट गया माइनस माइनस कट गया, ए बराबर क्या हो गया छ बटा तीन बराबर कितना, यहां से ए बराबर दो आया, कब आया जब एक कंडीशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है आपको यही तो ध्यान देना, ठीक है ना। अब क्या लिख सकते हैं इसी के रूप में, अगर इसको हमने पहला माना था तो लिख सकते हैं पहला से पी एक्स बराबर क्या हो गया, पी एक्स बराबर हमारा ए का वैल्यू निकल गया टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन, ठीक है। इसको और करेंगे तो क्या हो टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू, आपका ये क्या हो ये बहुपद आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये भी लिखे तो भी सही है, ये भी लिखे तो भी सही है, आपका दोनों का दोनों क्या होगा, दोनों का दोनों सही होगा। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ ध्यान क्या देना है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल केवल देना है, तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, एक का टेंशन आप छोड़ दीजिए। लेकिन अगर तीनों दिया हुआ ठीक है, आपका योग भी दिया गुणनफल और एक अलग से कंडीशन शर्त दे दिया है, तभी आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। आगे मैं कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन बताऊंगा, उसको देख देख के आप अच्छे से सीख लीजिएगा, ठीक है।